गौमूत्र से जैविक दवाई भी बनाते हैं। उसके बाद हम इस गौठान के चारों तरफ करेला, हल्दी और गेंदे का फूल, ग्रेडियस का फूल भी लगाए हैं। तो हम अभी इसको 25 से 30 हज़ार तक का बिक्री कर चुके हैं और 60-70 क्विंटल अभी हमारे पास तैयार प्रोडक्ट बन रहा है, उसका भी बहुत मांग आ रहा है। पहले तो हम अपने घर के काम काज तक सीमित थे, लेकिन हम इस खाद में जुड़ने के बाद सभी दीदियाँ अपने आय का साधन बन चुके हैं। हम सभी दीदियाँ यहाँ आकर 7 बजे आते हैं और 2 बजे 7 बजे अपने घर के काम काज को कर कर आते हैं। समूह की महिलाओं को एक वैकल्पिक स्वरोजगार के बारे में आज जानकारी दी जा रही है। मैं अमित कुमार चौबे RCET में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार गांव में स्वयं सहायता समूह में जुड़कर कार्य कर रही हैं और आज इनको जानकारी दी जाएगी कि अपने घर पे रहकर आप और भी काम करते हैं तो वैकल्पिक स्वरोजगार का काम कैसे कर सकते हैं। घर पे ही आप अगर वर्मी कंपोस्ट का कार्य जोड़ लेते हैं तो एक अलग से आमदनी आपकी एकत्रित हो सकती है। घर में पशु आपके होंगे, पशुएं आपने रखे होंगे, गोबर इकट्ठा होता हो या गाँव में गोबर इकट्ठा होता होगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा पिट बनाकर आमदनी का एक जरिया आप बना सकते हैं। होता क्या है कि आप क्या करेंगे कि कम से कम ऐसा एक पिट बनाएंगे जिसकी लंबाई होगी 10 फीट लंबी और जो चौड़ाई होती है लगभग 2.5 फुट चौड़ी और गहराई जो होगी लगभग 1 से 1.5 फुट इसकी गहराई होगी। अब अगर आप इसको करना चाहते हैं, इसका लाभ इतना है 10 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक की इसका जो खाद बिकता है, ठीक है। दो व्यवसाय से चालू होंगे। पहला व्यवसाय होगा चालू जैविक खाद का, जैविक वर्मी कंपोस्ट का, और इसे केंचुए वाला खाद भी कहते हैं। केंचुए से बनाया जाता है इसलिए इसे केंचुए वाला से निर्मित खाद वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं इसे। और इससे जो खाद उत्पन्न होता है वो रासायनिक खाद से कई गुना लाभकारी होता है। दो बिजनेस इससे स्टार्ट होते हैं। अगर आपके घर पशुपालन चल रहा है, गोबर आप ऐसे ही फेंक देते होंगे, गोबर से आमदनी कैसे कमाया जाए, घर पे ही खुद करो तो अच्छा, ना करो तो किसी और से करवा लीजिएगा। आप इस पिट में ताजा गोबर ना डालें, जब भी आप कोई गोबर आता है तो इधर रखें और इसमें 10-15 दिन जब वो गोबर ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें मिथेन गैस होती है, जहरीली गैस है जो कि केंचुओं को मार देती है, तो डायरेक्ट आप इस पे ना डालें, डालने से पहले प्राथमिकता जरूरी है। अगर आप ऐसा पिट तैयार करते हो तो सबसे पहले उसमें थोड़ा रेता डालें, मिट्टी डालें खेत की, उसके बाद इसमें गोबर डालें 15 दिन बाद जो आपने उधर रखी है, उसको डालने के बाद इसमें आप केंचुए छोड़ दीजिए, कहीं भी हल्का गड्ढा करके उसमें केंचुए छोड़ दीजिए। 40 से 45 दिन बाद इसके ऊपर एक लेयर हो जाएगी, जो गोबर खाएंगे केंचुए वो मल मूत्र के रूप में ऊपर छोड़ देंगे, तो उसके आप लेयर इकट्ठी करके खाद का रूप ले लेगी। और खाद का रूप कैसे ले लेगी, चाय पत्ती के कलर का हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं किस कलर का हो गया है, चाय पत्ती के कलर का। जब और आप ऐसे पैर रखकर ऐसे, ये 3 फुट लंबा है तो छोटा करेंगे, और ऐसे एक लेयर लकड़ी से इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसको छान लेंगे। छानने के बाद आप इसको बोरी में भरकर उस बोरी पर 1 किलो का, 5 किलो का कट्टा ले सकते हैं, उसमें अपने समूह का नाम लिख सकते हैं, अपने ब्रांड जो भी समूह में है, मान लो एकता स्वयं सहायता समूह हो तो लिख सकते हैं कि एकता जैविक खाद, अपने ब्रांड से अपने समूह के नाम से आप जैविक खाद बेच सकते हो। बिकेगा कहाँ वो हम बताएंगे। बहुत अच्छे ऐसे किसान हैं, बड़े बड़े नर्सरी वाले हैं जो आपके द्वारा निर्मित इन खादों को 10 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक खरीद लेंगे। दूसरा बिजनेस इसका चलेगा केंचुआ पालन का। अगर आप चाहते हो जैविक खाद की बेचने के साथ साथ हम केंचुआ पालन करें तो लगभग 300 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक इसके केंचुए बिकते हैं। बिजनेस वही करना चाहिए कि अगर आप सो भी रहे हो ना तब भी बिजनेस चल रहा है, आप सो रहे हो तो केंचुए अपना काम कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ठीक है। तो केंचुए अपना काम, दो बिजनेस तैयार होंगे इससे। पशुपालन से दूध तो होगा ही होगा, वो गोबर आप फेंक देते हो, उस गोबर से इकट्ठा करके आप ये काम जोड़ सकते हो। पैसे बुरे लगते हैं किसी को कमाने नहीं। और ये गलत काम थोड़ी है, आप करोगे आपका बच्चा भी लगा रहेगा, और इसमें केवल सुबह शाम का काम है, हल्का हल्का गर्मी उधर ज्यादा रख रखाव करना पड़ता है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, गर्मी के दिन में पानी डाल के इसे वो रखेंगे, थोड़ा कूल रखेंगे, क्योंकि सूख जाता है तो दिक्कत होती है। ऊपर छाव होने चाहिए ऊपर, ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट इसके ऊपर ना सकते। इसमें गोबर डालिए,
और डालने के बाद छोड़ दीजिए 35-40 दिन तक, एक लेयर बनेगी, उसे हटाते चले जाएंगे, जब तक हटाते चले जाएंगे जब तक कि बिल्कुल खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो जाए बिल्कुल जीरो, गोबर जो आपने रख रखा अलग 15-20 दिन पुराना, वो इसमें डाल देंगे, फिर उसमें केंचुए डाल देंगे। केंचुए हैं इसके अंदर, अगर आप केंचुए देखना चाहेंगे, ये देखो, ये देख रहे हो केंचुए, ये देखो केंचुए, ये केंचुए लाल रंग के होते हैं, विशेष प्रकार के, जो केंचुए बाहर देखते हैं ये केंचुए नहीं है, ये केंचुए वो केंचुए हैं जो वहां प्रजाति लिखी है उसकी, ऐसा नहीं टेटा, ठीक है जी। ये 300 रुपए से किलो, 1000 रुपए किलो तक बिकती है, एक बार ले आया, दो चार बार, एक बार ला के रख दिए ना, तो यही बढ़ा देंगे लाखों है जी, नहीं निकलेंगे, निकल के चले भी गए ना उधर अपने मायके मुंह के चले गए तो होगा क्या, जब आप इनका खाना यहाँ डालोगे तभी जाएंगे अपने घर मायके कहीं, जब इनका गोबर, इनका जो मुख्य भोजन है वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे ही डालोगे ना जमीन के नीचे नीचे आ जाएंगे, रोड पे नहीं आते है, जमीन से नीचे नीचे आके इसमें आराम बैठ, और लाल रंग के होते हैं और बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता तो अपने आप ही उग जाएगी, मतलब उगते नहीं है ये, उगते नहीं, इनको लाके डाला जाता है। और मान लो इसमें आपने गोबर डाल रखा ना, और केंचुए इसमें है, तो इसमें से अपने आप नीचे निकल निकल के इसमें चले जाएंगे, ऐसा डाल देना, क्यों उनके साथ अति करोगे, लेके डाल देना इसमें और डाल के छोड़ देना। मेरी मान्यता है बिजनेस ऐसा करो कि आप सो भी रहे हो तब भी आमदनी चल रही है, पेटीएम में टाइपिंग करोगे, ट्रांसफर करोगे तभी तो पैसे मिलेंगे, इसमें सो भी रहे हो ना तब भी काम चल रहा है, और आपके घर के पति भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बच्चे पानी डाल दे तो थोड़ा सा डाल देगा, डाल देगा, और इसकी जो लेयर होती है यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ, आप चूना डाल दीजिएगा चारों तरफ, क्योंकि इसकी दुश्मन होती है चींटी, चींटी अगर घुस गई इसमें तो सारे केंचुए खत्म कर देगी, मैंने बताया भी होगा, उधर कभी भी ताजा गोबर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह गर्म होता है, इसे केंचुए बेड में छाया 8-10 डिग्री तक, यानी 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, केंचुओं को मेंढक, सांप, चिड़िया, कौवा, छिपकली, चींटी से बचा कर रखें। ये कुछ लोग इस पे क्या करते हैं, मच्छरदानी टाइप की लगा देते हैं ताकि कौवे वगैरह इसमें ना आ पाए, क्योंकि कुछ काम शुरू किया आपने तो इसके शत्रु भी तो होंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इनसे बचा कर रखना है। गोबर पूरी तरह सड़ा हो वह ना हो, पूरा कचरा भी गीला ठंडा करके डाल सकते हो, आपने भिंडी काटी, सब्जियां जितनी काट रहे हो छिल्ला गुल्ला सब इसमें डालो, उसका भी खाद बन जाएगा, है नहीं बढ़िया चीज। लेकिन कभी भी इसमें नमक वाली चीज मत डालना, कटहल की सब्जी बना ली आपने 1 किलो बच गई, ले भाई इसमें, उसमें होता है नमक, नमक किसका दुश्मन है, किसका, केंचुए का। तो कभी भी नमक वाली चीजें, कांच वाली चीजें, कांच उच होती है ना, एसिड वाली चीजें इसमें ना डालें, इससे क्या होगा केंचुए। फिर आप कुछ बाकी इस पे आप पत्ते उत्ते कुछ इकट्ठा करके घास वगैरह डाल सकते हो, उसकी खाद बना देगा, कितने भी कूड़ा करकट बाहर होता है, मैं बता रहा हूँ। एक काम शुरू करोगे आप, आपको देख के बाकी लोग शुरू करेंगे, और भी कौन है गारंटी मेरी, आप चालू करो इसे बनाओ, ऐसे ऐसे खरीदार हमारे पास हैं जो आपके जैविक खाद को खरीद लेंगे, और केंचुए भी खरीद लेंगे, कैसे, हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट का एक ट्रेनिंग होती है 10 दिन की, तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, वो उस काम को जरूर ही करते हैं, लोन लेते हैं, वो पूछते हैं कि हम केंचुआ कहाँ से खरीदते हैं, हम कहेंगे सुमन के यहाँ चले जाओ, सत्यदेव के यहाँ चले जाओ, केंचुए वहां से मिलेंगे, अब केंचुए फ्री में थोड़ी दोगे आप क्या करोगे, केंचुए के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गोबर भी मिलेगा उसमें, उसका वजन भी तुला जाएगा उसमें, जैसे लीची के साथ उसकी डंडल भी तुलती है ना, तो इसके साथ गोबर भी तुलेगी, 1 किलो इतना सा होगा, इतना सा कितने का, 500 रुपये का, ले जाओ भाई, आप तैयार हुए थे तो, और ले जाकर आप उसे बेच दो, हम भेजेंगे खरीदार जो वो भटकते हैं इधर उधर, वो कहीं और से खरीदेंगे, हम आपके यहाँ भेज देंगे, जो जैविक खाद निकलेगा किसान आते हैं खरीदने के लिए, हम उन्हें आपके पास भेज देंगे, पता पूरा बिजनेस है क्या, ये प्रशिक्षण हम देंगे, ठीक है, ये सेट होनी चाहिए, ये सेट ना बना सको, खर्चा ज्यादा लगता है ना इसमें, तो इसका ऑप्शन है बल्ली या बांस गाड़ के जो पत्ती होती है या फूस होती है वो डाल दो, कवर करना है बस, और कवर कितना होना चाहिए जितना तक हम चल सकते हैं,
ठीक है, ताकि बारिश डायरेक्ट इन पर ना पड़े। डायरेक्ट बारिश जाएगी तो ये खराब हो जाएगा, धूप डायरेक्ट ना पहुंचे। तो कई ऐसे किसान हैं, मुजफ्फराबाद ब्लॉक में मैं गया था, उन्होंने एक टीन नहीं डाल रखी। व्यवसाय वो लाभकारी होता है जिसमें लागत कम से कम आती है। अगर आप ये चाहते हो कि लेयर ना बने, ईंट की ना बनवा सको सीमेंट का, तो गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोद के इतनी 1.5 फुट गहरी, और उसकी मिट्टी निकाल के चारों तरफ मेंढ से बना दो, और उसमें गोबर डाल दो। आप देखोगे बिना खर्चे का आपका वर्मी कंपोस्ट चालू हो जाएगा। पॉलीथीन की बैग आती है, उसमें भी गोबर डाल के केंचुए खाद बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे एक साल में इतनी आमदनी आप कर लोगे इससे, और बिकेगा कहाँ, नर्सरी में बिकेगा। जितने नर्सरी वाले हैं ले लेंगे आपसे, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो ले लेंगे। जितने भी खेती करने वाले देखे हैं देवियों सज्जनों, वर्मी कंपोस्ट अत्यधिक सस्ता है, और ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और ये घटाता है। कौन जो खाद डाल रहे हैं, ये अपने घर में जाके पति को या अपने घर वालों को पिता को कहोगे ना जाके जिसका प्रयोग करो ना, तो कहेगा फिर शुरू कर काम कर देना शुरू। जल जमीन व हवा स्वच्छ होते हैं इससे, इससे खराब हो जाते हैं। पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अद्भुत होती है इस खाद में। पानी बार बार सिंचाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओ बेटा भाई कोई बात नहीं, कीटनाशकों के प्रयोग में कमी होती है, कीटनाशक अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, फसलों और फलों के स्वाद में वृद्धि होती है। अमरूद वही तो खाओगे जिसमें स्वाद होता है, मीठा लगेगा, इससे स्वाद बढ़ता है इसका। और उर्वरक से डालोगे तो लगेगा कि अमरूद है, लेकिन स्वाद कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। यही मतलब खाद होते हैं, है ना, और ये उसकी जगह काम करेगा, उसकी जगह काम करेगा, उससे ज्यादा करेगा, 4-5 गुना ज्यादा फायदा करेगा, खर्च कम आएगा आपको। जितने बाग वाले हैं ना आम अमरूद वाले, उनको अपना खाद बेच सकते हो, ये वाला एक अलग आमदनी। आदमी वही कामयाब होगा जिसके आमदनी के 4-5 साधन हो। अकेले के भरोसे रहोगे और खर्चा बढ़ता जा रहा है इतना, तो कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो। और सुन लो एक चीज और, अगर आप लोग चाहते हो कि ये काम शुरू करवा दें, अगर आपके पास जमीन है, गोबर है, तो हमें बुला लेना, ऐसा पिट हम तैयार करवा के आपके गांव में आएंगे। सर मुझे और फ्री और पूछना था, जैसे कि आप बोले कि ऐसे बनाया 1.5 फीट नीचे है ये, तो सर इसको एक बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बाहर निकालने की, कुछ नहीं, गोबर खत्म हो जाएगा सारा, लेयर बन के अपने आप खत्म हो जाएगा। गोबर इसमें डालिए आप, 4-5 लेयर निकाल दोगे तो गोबर अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसे खाने के बाद जब कहते थे बचपन, उन्होंने किताबों में पढ़ते थे कि केंचुआ किसानों का मित्र होता है, पढ़ते थे ना, तो मित्र उर्वरक डालते, उर्वरक का स्वभाव कैसा होता है, नमक जैसा, जैसे ही आप खेत में डालते हो केंचुआ सिकुड़ के मर जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम खेतों में केंचुआ करता था, वो अब क्या हो गया, नहीं है। तो खेतों में पैदावार तो हो जाएगी, लेकिन उसका टेस्ट नहीं होगा, और हमारे अंदर कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, खाद के खाने हो गए सारे लगते नहीं शरीर में। मेरे भी कहते टाइस वगैरह में, पहले हम तो फूड इकट्ठी कर लेते 3 मतलब 1-2 साल तक उसे डालने लग रहे थे, वो डालते थे देसी खाद में। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मेरठ की एक लड़की है अच्छी पढ़ी लिखी, वो इसका काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। और जब भी काम शुरू करवाना हो आपको, अगर इच्छा है काम शुरू आपका, वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगवाना हो, मुझे बुला लेना, अपने टीम के साथ मैं आ जाऊंगा, और आपके गांव में इतनी जगह भी होगी। पहले एक ही लगा लो, एक लगवा के आ जाएंगे बढ़िया तरीके से अपने आंखों के सामने, फिर आप करते रहना उसको, ठीक है। काम ऐसे जोड़ने चाहिए जिससे आमदनी कई हो, एक बंद हो तो एक तो चलता रहे, ठीक है देवियों। था तो मेरे लिए, लेकिन